नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टॉक्स एजुकेशन में। दोस्तों, इस चैनल में मैं आपके लिए स्टॉक मार्केट से डेली अपडेट्स लाता आता हूँ। सो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। दोस्तों, चैनल सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि आपको डेली अपडेट्स मिलते। अगर आज के अपने पहले स्टॉक की बात करें तो है अशोक इंडस्ट्री लिमिटेड। अगर इस शेयर की बात करें तो ये शेयर में काफ़ी तेज़ी देखने को मिल रहा है पिछले कुछ दिनों से। तो देख लेते हैं यह तेज़ी कहां तक इस शेयर को लेकर जा सकती है। तो दोस्तों, अगर आज के क्लोजिंग की बात करें तो यह शेयर क्लोज हुआ है 20.80 रुपये पर। अगर तेज़ी की बात करें तो 3% से ज़्यादा का तेज़ी देखने को मिला एक दिन के अंदर, यानी सिर्फ और सिर्फ आज की बात कर रहे हैं। 52 वीक लो की बात करें तो 3.80 रुपये का, जबकि 52 वीक हाई की बात करें तो लगभग 60 रुपये तक ये शेयर जा चुका था। लेकिन उसके बाद इसमें करेक्शन आया और इस टाइम यह चल रहा है, आप देख सकते हैं 20.80 रुपये पे। इसमें अगर डिलीवरी की बात करें तो आप देखेंगे 42.24% की डिलीवरी। क्वांटिटी की बात करें तो लगभग 40 लाख के आसपास की डिलीवरी उठाई गई है। तो देख लेते हैं और डिटेल क्या बनता है। तो दोस्तों, अगर डिटेल की बात करें तो इसके रिटर्न की बात करते हैं तो एक साल में यह शेयर 410% का रिटर्न ऑलरेडी दे चुका है। लेकिन अगर एक महीने की बात करें तो आप देखेंगे लगभग 9% तक करेक्शन भी आ चुका है इस शेयर में। अगर इसके वीटा की बात करें तो 1.16 का है, यानी कि शेयर वोलेटाइल तो है ही जाएगी। इस बात है छोटी सी कंपनी है, पेनी शेयर है, तो थोड़ा सा वोलेटिलिटी देखने को मिल जाती है। तो देख लेते हैं और डिटेल क्या बनता है। दोस्तों, पी की बात करें तो 2.74 का है, जबकि सेक्टर पी की बात करें तो लगभग 40 का है, यानी सेक्टर पी से ये शेयर काफ़ी ज़्यादा सस्ते में मिल रहा है। देख लेते हैं और डिटेल क्या कहता है। दोस्तों, अगर चार्ट की बात करें तो आप देखेंगे यह शेयर जो कि काफ़ी तेज़ी के साथ ऊपर गया, उसके बाद इसमें करेक्शन आया और यह शेयर इस टाइम चल रहा है 20.80 रुपये पे। तो क्या इसका कैंडल बनता हुआ दिख रहा है? अगर कैंडल की बात करें तो 50 दिनों के ईएमए को टच कर वहाँ से नीचे आ गया, यानी उस पर सस्टेन नहीं कर पाया। तो इसका मतलब कि जो 50 दिनों का ईएमए है वो इनके लिए रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ रहा है। तो 50 दिनों के अगर ईएमए की बात करें तो 21.09 रुपये का है, यानी कि अगर ये लेवल टूट जाता है तो फिर इस शेयर में फिर 25 रुपये तक का टारगेट देखने को मिल जाएगा। लेकिन ये 21.09 रुपये का जो रेजिस्टेंस है इसको तोड़ना काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। लेकिन यह शेयर कई बार कोशिश करती है लेकिन उसके बाद उसके नीचे आ जा रही है। तो इसका मतलब है कि ये रेजिस्टेंस थोड़ा सा इनके लिए स्ट्रगल का सामना करना पड़ेगा। हो सकता है कि अप्रैल आ चुका है, अप्रैल मई तक अगर रिजल्ट आए, रिजल्ट अच्छा आता है तो फिर ये रेजिस्टेंस टूटेगा, तो ये 25 रुपये का टारगेट भी तोड़कर उसके ऊपर यानी 30-35 रुपये तक का टारगेट बनता हुआ आपको दिख जाएगा इस शेयर में। अगर रिजल्ट काफ़ी अच्छा आता है तो, अगर रिजल्ट नेगेटिव आता है तो शेयर और ज़्यादा नीचे भी जा सकता है, इस बात का जरूर ध्यान रखें। तो देखो, अगर अपने नेक्स्ट स्टॉक की बात करें जो है ट्रिडेंट लिमिटेड, अगर इस शेयर की बात करें तो ये शेयर आज क्लोज हुआ है 14.20 रुपये पे। अगर इसमें तेज़ी की बात करें तो 1% से ज़्यादा की तेज़ी देखने को मिला और यह शेयर भी कहीं ना कहीं अपने रेजिस्टेंस के आसपास ही बार बार क्लोज हो रहा है। देख लेते हैं क्या डिटेल बनता है। दोस्तों, 52 वीक हाई और लो की बात करें तो आप देखेंगे 4 रुपये का 52 वीक लो है, जबकि इनका 52 वीक हाई है 17 रुपये के आसपास का। अगर इसमें डिलीवरी की बात करें तो आप देखेंगे इसमें डिलीवरी उठाई गई है 47.57% की। अगर क्वांटिटी की बात करें तो 34 लाख से ज़्यादा की क्वांटिटी जो कि डिलीवरी बेस उठाई गई है, यानी इस शेयर को लेकर भी लोग काफ़ी ज़्यादा बुलिश लग रहे हैं। तो देख लेते हैं आगे का क्या डिटेल बनता है। अगर दोस्तों पिछले एक साल के रिटर्न की बात करें तो आप देखेंगे 230% का रिटर्न ऑलरेडी यह कंपनी दे चुकी है। अगर एक महीने की बात करें तो लगभग फ्लैट होता हुआ ये कंपनी आपको दिख जाएगा। अगर पी की बात करें तो 20.60 के चल रहा है, जबकि अगर बात करें इनके सेक्टर पी की जो कि 39.23 पे चल रहा है, यानी कि सेक्टर पी से यह शेयर अभी भी काफ़ी सस्ते में मिल रहा है। देख लेते हैं और डिटेल क्या बनता है। दोस्तों, अगर और डिटेल की बात करें तो यह अभी अपने साइड वे पे काम कर रहा है, यानी कि यह ना ही नीचे जा रहा है और ना ही ऊपर जा रहा है, वही 12-13-14 रुपये के बीच में ही काफ़ी टाइम से काम कर रहा है। तो इनका जो रेजिस्टेंस है उसकी बात करें तो मुझे लगता है कि अगर 15 रुपये का लेवल इस शेयर को तोड़ता है तो फिर इसमें 20 रुपये तक का टारगेट देखने को मिल जाएगा, यानी कि यह 15 रुपये का लेवल जो है 15 रुपये के आसपास का, यानी कि 15-20-30 रुपये के आसपास का जो इसके लिए रेजिस्टेंस है वो काफ़ी इनके लिए मुश्किल का खड़ा कर रहा है। तो जैसे ही ये रेजिस्टेंस टूटता है, हालांकि पिछली बार इनका रिजल्ट काफ़ी शानदार आया था, अगर वो रिजल्ट फिर से कंटिन्यू रहता है तो ये लेवल तोड़कर फिर 20-25 रुपये तक का टारगेट देखने को मिल जाएगा, क्योंकि शेयर अच्छा है और जिस हिसाब से पिछली बार रिजल्ट आया वो शेयर ने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया, उस हिसाब से तो यही देखने को मिलता है। अगर इस बार भी रिजल्ट अच्छा आता है तो यह कंपनी 20 रुपये को क्रॉस करके उसके ऊपर जाकर ट्रेड करेगा। तो दोस्तों, उस हिसाब से इस शेयर में आप थोड़ा सा होल्ड कर सकते हैं अगर आपके पास स्टॉक का है, अगर नहीं है तो आप खरीदारी कर सकते हैं अभी से ही, क्योंकि रिजल्ट आने के बाद यह शेयर फिर से अपर सर्किट पर लगना स्टार्ट कर देगा। तो बाकी आपकी मर्जी। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। Thank you for watching this video.